वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर बॉय यूके रिटर्न बैक अगेन। भाई ये वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है गोल्डन टेंपल, क्योंकि हम लोग पहली बार सारे भाई लोग गोल्डन टेंपल जा रहे हैं, तो वही दर्शन करेंगे। वर्ल्ड फेमस गुरुद्वारा, मतलब मैंने बहुत सुना है लेकिन अभी पहली बार ही अपनी आंखों से विजिट करेंगे, तो करते हैं भाई लोग का इंतजार, फिर चलते हैं गोल्डन टेंपल। गाइस मोटो व्लॉगिंग बहुत कर ली है, अभी विक्रम व्लॉगिंग करते हैं। ई रिक्शा नई चीज़ आई इंडिया के अंदर। ओ भाई पंजाब के अंदर हाथ से लेकर बच गया, मेरे हाथ से फोन ले जाएगा। ये देखो भाई, भाई तुम पहली बार जा रहे हो गोल्डन टेम्पल? तुम भाई पहली बार जा रखा भाई, तीन चार बंदे भाई पहली बार जा रहे हैं तो हमारे लिए एक्साइटिंग हुए। ये कौन सा चौक है भाई जी? सर चौक कौन सा है? ये चौक सर अपना मानसिंह गेट। मानसिंह, अच्छा। वैसे पंजाब, ये अमृतसर सिटी कैसी है? अच्छी है, मतलब बहुत बढ़िया। भाई ये देखो यार, भाई क्या सीन है यार अमृतसर सिटी के। म्यूजियम देखना सर, म्यूजियम नहीं अभी तो गोल्डन टेम्पल जा रहे सारे। अरे उसके अंदर से म्यूजियम टेम्पल भी जा सकते हैं। हाँ मूवी वगैरह बढ़िया, बड़ी लाइटिंग बहुत होती है। अच्छा मैंने भी तो सारे गोल्डन टेम्पल जा रहे। ये देखो पंजाब पुलिस वर्ल्ड फेमस, क्या बात है यार, क्या बात है। केसरी सिंह सर आएंगे ना आगे, आगे म्यूजियम बना हुआ है बहुत बढ़िया है। अच्छा क्या बात है यार, क्या बात है। थोड़ा लेट हो गए बात में, लेकिन जलियांवाला बाग इसी टाइम बंद हो जाता है। अच्छा बंद हो गया वो? हाँ भाई जलियांवाला बाग बंद करते, बंद हो गया 6:30-7 बजे बंद कर देते। अच्छा सामने पहले जलियांवाला बाग, उसके सामने उनका टेंपल। अच्छा वो कह रहा है वीकेंड बहुत बिजी होता है। ओ भाई ये देखो भाई क्या ही सीन है भाई। ये भाई स्वर्ण मंदिर, वो दोनों कहाँ चले गए? क्या बात है। तो गाइस बहुत बढ़िया है यार, बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर कितना सुंदर होगा भाई। दुनिया भर से लोग आते हैं भाई यहाँ पे, सिर्फ सिख ही नहीं, मतलब हिंदू मुसलमान जितने भी आए हैं वो आते हैं यहाँ पे, फिर दुनिया से। और मैंने तो काफ़ी कुछ सुना है इसके बारे में, क्योंकि मैं तो भाई सिखों के बीच में। सो आज मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा भाई। ये देखो स्ट्रीट व्यू, अगर किसी ने आपको दिखाया नहीं आज तक यूट्यूब पर, तो आप देखो क्या बात है यार, नज़ारे देखो आप। ये जलियांवाला बाग यहाँ पे है, इस साइड पे जलियांवाला बाग जो बंद हो चुका, अभी जब मौका मिलेगा मैं तो जुड़ जाएंगे वहाँ पे भी। उन सबके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो देखते हैं उसको। तो भाई यहाँ पे देखो नाम भी लिखे हुए और यहाँ पे नाम लिखे हुए जलियांवाला बाग मार्ट मैसेकेर 13 अप्रैल 1919। भाई यहाँ की साइड शॉप्स देख लो आप, और मेरे सीधा आगे है स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेंपल। मैं तो आज तक देखता ही था टीवी में, सो ड्रीम कम ट्रू टू विजिटिंग अ गोल्डन टेंपल। लेके आते गाइस पीछे में, गाइस जो मैंने सर पे पहना है इसको सर ढक के जाना होता है गोल्डन टेम्पल के अंदर, तो ये रीति रिवाज है।
तो आप हमेशा जब भी आते हो भाई यहाँ पे सर ढक के आना है, कोई भी गुरुद्वारे जाओ तो सर ढक के। ये देखो गाइस नज़ारे भाई, वी आर लकी दैट वी आर हियर एंड एक्सप्लोरिंग द ब्यूटीफुल गोल्डन टेम्पल। यहाँ से बाहर देखते पूरा स्वर्ण मंदिर। पहली बार आ रहा सूरी? चलो फर्स्ट टाइम। बहुत सुंदर नजारे यार, क्या बोलूं बताओ। और सामने चल रहे हैं गुरबाणी। भाई पीछे है गोल्डन टेम्पल का। सो गाइस आप देख सकते हो कि यार ये है धार्मिक मंदिर सिखों का, लेकिन यहाँ पे सभी धर्म के लोग आ रखे। देखो ये ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग हैं यहाँ पे जो आ रखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी गोल्डन टेम्पल की जो द्वार है चारों तरफ से खुले पड़े हैं सबके लिए, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी यहाँ पे आ सकता है और मत्था टेक सकता है। ठीक है, ये मतलब कि सिख धर्म में ऐसा है कि सिर्फ पूरे चारों दरवाजे खुले हैं और मतलब कोई भी धर्म का बंदा आ सकता है, सिर्फ सिख धर्म के अंदर है। तो भाई ये अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। ज़िंदगी में कुछ चीज़ देखनी हो तो भाई कोई मंदिर को विजिट करना हो तो गोल्डन टेम्पल जरूर आना भाई। खूबसूरती खूबसूरती अगल बगल। ये तो आप आर्किटेक्चर देखो, आप बहुत पुराना यार, सदियों पुराना बना हुआ है ये देखो। गाइस जब भी अंदर जाते हो हाथ धोना, यहाँ पर हाथ धोने बना रखा, यू मस्ट वॉश योर हैंड्स। ओ भाई वाहेगुरु जी, इतना सुंदर है भाई। भाई यार ये वीडियो मेरे को यहीं रोकनी पड़ेगी, क्योंकि यार इसमें चक्कर ये होगा कि जब आप गोल्डन टेंपल के अंदर एंटर करते हो हमें पता नहीं था ये चीज़, तो वहाँ पे वीडियो बनाना मतलब कि अलाउड नहीं है उसके पास। ठीक है, जहाँ पे टेंपल है तो हमने अच्छा भी नहीं सोचा है, अच्छा लगता नहीं यार जब किसी रिलीजियस प्लेस में जाओ और वहाँ ज़्यादा वीडियो बनाओ ऐसा। बाहर से मैंने आपको दिखा दिया है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई मेरे तो गूज बम्स, जैसे मैंने एंटर किया ना जब गोल्डन टेंपल दिखा भाई, तो गूज बम्स आ गए, क्योंकि यार जितनी मैंने सिख हिस्ट्री के बारे में मैंने पढ़ा है ना भाई, शायद ही मेरे मतलब कि अगल बगल मेरे फ्रेंड में किसी ने इतना पढ़ा होगा, कि मैं जब यूके था तो वहाँ मेरे जितने भी फ्रेंड थे सारे सिख फ्रेंड थे और उनसे मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। तो गोल्डन टेंपल विजिट करना मेरा हमेशा से मेरे बकेट लिस्ट में था, मतलब सबसे पहले आके मैं इंडिया में ये सोचता था कि कब जाऊँगा पंजाब और कब विजिट करूँगा। हालांकि मुझे पंजाब और भी एक्सप्लोर करना है, तो वो आगे जाके हो सकता है फ्यूचर में करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पंजाब और पंजाबियों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ, तो उस चक्कर में मैं हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ भाई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई, मेरा मेन तो ये होता है कि मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ लेकिन मैं जगह भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक है भाई, तो जिस भी भाई को पसंद आई भाई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि यार भाई मोटिवेशन लेवल अप चल जाए और फिर और जोश के साथ नई वीडियो आएगी। हालांकि अभी मेरी पंजाब और हिमाचल सीरीज चल रही है, एक दो वीडियो और आएगी उसके बाद ये जो सीरीज थी मेरी पूरी पंजाब और हिमाचल वाली वो ख़त्म हो जाएगी और नई जर्नी शुरू होगी, मोस्ट प्रोबेबली लद्दाख ट्रिप आएगी नेक्स्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।